यूपी में अयोध्या हाई अलर्ट पर है। अयोध्या की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक तरफ जहां अयोध्या विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षित हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दीपोत्सव का कार्यक्रम भी नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं हो, सरकार इसका ध्यान रखते हुए फोर्स की तैनाती कर रही है। अयोध्या हमेशा आतंकियों की हिटलिस्ट में रही है। आज COCT के नेतृत्व में पुलिस बल ने सड़कों पर रूट मार्च किया, वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर का यह रूट मार्च रकाबगंज चौराहे से हसनू कटरा तक निकाला गया। वहीं रूट मार्च मिश्रित आबादी में निकाला गया, आवाम को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं आने वाले त्योहारों में दीपोत्सव, चहलुम्बा, कार्तिक मेले को लेकर अयोध्या पुलिस अलर्ट पर दिखी। PSC व सिविल पुलिस ने रूट मार्च निकाला। गोरखपुर में आतंकी इनपुट को लेकर अयोध्या भी हाई अलर्ट हो गई है। देखिए, शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात है। हम लोग सब लोग इसके लिए तत्पर हैं। पूरी हमारे साथ एक कंपनी PSC है। हम इस कंपनी PSC को लेकर रूट मार्च कर रहे हैं, जो हमारे मिश्रित आबादी क्षेत्र हैं, सेंसिटिव प्लेसेस हैं। हम लोग उन सबको कवर कर रहे हैं। लगभग हर गली, हर मोहल्ले हमारे क्षेत्र के मेरे द्वारा कवर किए जाएंगे। आगे हमारे सामने चेहल्लुम, दीपोत्सव तथा अन्य कार्यक्रमों को संपन्न कराना है, तो उसके लिए जनता में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जैसे पूर्व में करते आए हैं, वैसे इस बार भी हम कर रहे हैं। अयोध्या बहुत संवेदनशील एरिया है, इसमें क्या उसका कहाँ चेकिंग होगी, कहाँ क्या? अयोध्या में ये हमारा कोतवाली नगर कंट क्षेत्र है जो मेरे पास है। इसमें प्रॉपर हम लोग अपने जो चिन्हित स्पॉट्स हैं उस जगह पर चेकिंग भी बराबर कर रहे हैं, और सभी जगह पर हम लोग भ्रमणशील भी हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से अपील है कि कोई भी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और किसी भी चीज़ के लिए प्रशासन का वर्जन जब तक ना आ जाए उस पर भरोसा ना करें। तो प्रशासन में हम लोग तत्काल उसमें कोई भी बात होती है तो मीडिया को बाइट देंगे और उसके हिसाब से ही उसका वर्जन चलाया जाए।